हेलो दोस्तों, मैं सुपकरण सिंह गुर्जर आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल मैकटेक पे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मेरे किसी मित्र ने पूछा कि आजकल के इस दौर के अंदर वाहन बहुत ज्यादा हो गए हैं और वाहन बहुत ज्यादा होने के कारण क्या है कि दुर्घटना भी बहुत ज्यादा हो रही है। और इन सब दुर्घटना के अंदर एक कॉमन चीज ये है कि कुछ गाड़ियों में ब्रेक फेल होने के कारण दुर्घटना ज्यादा हो रही है। तो मैटर के अंदर कि ब्रेक फेल हो जाए तो गाड़ी को कैसे रोकना चाहिए, तो मैं आपके साथ शेयर करूं। ठीक है दोस्तों, तो उससे पहले आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना दोस्तों, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, अगर गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हो रोड के ऊपर हाईवे पे और आपके अचानक गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं, तो सबसे पहले आपको तो मैं ब्रेक फेल होना क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, मैं आपको वो बताता हूँ कि जब अपने गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं और गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं और ब्रेक लगाने से गाड़ी ना रुके। ठीक है दोस्तों, जो मेन ब्रेक होता है इसे लगाने पे गाड़ी ना रुके तो इसे ही ब्रेक फेल होना कहते हैं कि भाई गाड़ी का ब्रेक फेल हो चुका है, गाड़ी नहीं रुक रही है। ठीक है दोस्तों, तो इसे आपने किसी और मेथड द्वारा भी गाड़ी को रोक सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ब्रेक के अलावा तो वो क्या है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में बने रहें और स्किप ना करें। जब भी गाड़ी के आपके ब्रेक फेल हो जाएं तो सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है कि अपने को घबराना नहीं है, हड़कंप नहीं मचाना है और टेंशन में नहीं आना। अगर ये सब आप चीज पहले ही महसूस कर लेते हो, घबरा जाते हो, तो दोस्तों आप अगले मेथड को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे और आप जरूर दुर्घटना के शिकार हो जाओगे। कोई दिक्कत नहीं है अगर ब्रेक फेल हो गया है तो, मैं आपको जो बता रहा हूँ तरीका उसे इस्तेमाल करो। तो सबसे पहले अपने को घबराना नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर क्या करना है अपने को, अगर गाड़ी आपकी 100 पे चल रही है तो अपने को क्या करना है कि एक्सेलरेटर को छोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, फिर अपने को क्या करना है, क्लच को प्रेस करना है, और जो गाड़ी फिफ्थ गियर में चल रही है तो आप उसे फोर्थ गियर में लेके आओ, फिर क्लच को छोड़ो, फिर वापस क्लच को दबाओ, गाड़ी को थर्ड गियर में लेके आओ, फिर क्लच को छोड़ दो। इस प्रकार से अपने को गाड़ी को गियर डाउन शिफ्ट कर करके स्लो कर लेनी है, और जब गाड़ी अपनी बिल्कुल यानी कि 30 से 40 या स्पीड में आ जाए 100 से, तो अपने को फिर हैंड ब्रेक को हल्का हल्का प्रेस करके गाड़ी को रोकना है। बिल्कुल प्रेस नहीं कर देना हैंड ब्रेक को, वरना गाड़ी घूम जाएगी, स्लिप हो जाएगी, ड्रिफ्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अपने को गाड़ी को इस प्रकार से रोकना है, आपकी गाड़ी जरूर रुक जाएगी, ब्रेक पे थोड़ी जल्दी रुक जाती है और इस प्रोसेस में गाड़ी थोड़ा धीरे रुकेगी पर रुक जरूर जाएगी। ठीक है दोस्तों, और ट्रैफिक के अंदर है तो ट्रैफिक में भी आप यही मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपके साथ ऐसी कभी भी ट्रेजेडी ना हो, परंतु हो जाए तो आप ये मेथड जरूर करना, गियर डाउन शिफ्ट करके गाड़ी आप बिल्कुल रोक सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको वीडियो अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।